कल मुख्यमंत्री के विदेश दौरे के ऊपर कुछ सवाल पूछो। आप क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इस बारे में कुछ सवाल थे जो आपकी डालने की जरूरत है, और भी बहुत से मुद्दे हैं। आप किस किस ठिकानों पर विजिट करने जा रहे हो, मुख्यमंत्री का विदेश दौरा, लेकिन क्यों भाई, क्या जरूरत है महाराष्ट्र को? महाराष्ट्र में पूरा नागपुर पानी में डूब गया है, आप वहां अब तक गए नहीं। महाराष्ट्र में कुछ जगह पे अकाल पड़ा है, आप वहां गए नहीं। वहां पानी में नागपुर डूब रहा है, और वहां अपने घर पर आप पूरे फिल्मी सितारों के साथ उत्सव मना रहे हो। ये आया वो सब पूरा कैमरा चल रहा है। मुंबई में कुछ नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र में कुछ नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री के निवास पर बस पूरे हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड सब। और आप जाएंगे विदेश, क्या है, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर आप लाने जा रहे हो, कौन सी इन्वेस्टमेंट लाने जा रहे हो? वो इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र से गुजरात में चली गई है, वो पहले लेके आइए, बाजू में जाइए। जो मुंबई से बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑफिसेस, हाँ, संस्थान अहमदाबाद में खींच कर देखे गए आपके आपके सामने, भाई उनको तो यहाँ लाइए, बाद में विदेश जाइए। लेकिन सरकारी खर्च 30 मिनट के भीतर आदित्य के ट्वीट के 30 मिनट के भीतर दौरा कैंसिल होने की जानकारी, क्या डरने लगे हैं? बहुत जबरदस्त डर, और अच्छा है, डर होना भी चाहिए। ये डर आदित्य जी का है, ये डर जनता का है, और ये डर शिवसेना का है, क्योंकि बेवजह, कोई जरूरत नहीं। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र संकट में, कहा ना मैंने, नागपुर डूब गया और पूरा आधा से ज्यादा महाराष्ट्र में अकाल है, पानी नहीं है। मुख्यमंत्री कहाँ रहने चाहिए, यहाँ। लेकिन आप उत्सव मना रहे, मैं ये नहीं बोलता कि गणपति का उत्सव मत मनाइए, लेकिन जिस तरह से आप ये खान वो खान अमुक अमुक खान, हाँ, ये अमुक हीरो हीरोइंस एक्टर एक्ट्रेस, मजा चल रही है मुंबई और महाराष्ट्र, मजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री हमारे और उनकी फैमिली, और जनता दुख और संकट के भार के नीचे दब रही है। ये आज इस राज्य की हालत है, ऐसे में आप पर देख जा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं कि किसानों के मुद्दों पर लगातार